We all talk about the pyramids. And how could they have possibly built it? How did they do it so many years ago? But do you know that in India, we have so many temples, but the highest, the one with the highest gopuram is there in Thanjavur, which is where the Chola dynasty had happened, and his role, Rajaraja Cholan, had built it. That particular temple has the highest gopuram in the whole world. The top stone alone, it's a single stone that weighs 80 tons. 80 tons, not 1 ton or 2 tons. And how did they do it? But do we know that? We all go to the pyramids, we go see the Leaning Tower of Pisa. Someone said something very nicely. He said, we are actually appreciating a building that doesn't stand. It's falling over and wow, let's take a picture, let's take a selfie, and we're getting excited. But we have temples today that stand and they didn't use plaster. Do you know that for this particular stone, they had to use a ramp, which was 6 kilometers long. So these are all things that we need to know about. This particular king has built 5,000 dams in his time, and he's made a water management ministry in that time. He's had elections for the village leaders. He's asked him to name cities after women. Talk about superpowers today. The 9th century, all this happened when we had the biggest maritime naval thing in the world. And it went all the way to Bali, all the way to Malaysia, and went to, we sent emissaries to China. And you know what was the superpower doing then? America hadn't been discovered by Columbus till 500 years later. So don't you think we should celebrate history? Absolutely, absolutely. देखो ये वीडियो देख के मेरे को शॉक, सरप्राइज और बहुत प्राउड भी फील हो रहा है. इनफैक्ट विक्रम साहब के थ्रू जो कहा गया है उनसे मेरे को काफी कुछ अभी पता चला. एंड दूसरी बात देखो यार, एक्टर्स कोई भी जॉनर की फिल्म करते हैं उनको उसका नॉलेज इंटरेस्ट होना चाहिए. ये मैं कोई थ्रिलर फिलर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माइथो पीरियड हिस्टोरिकल फिल्म की बात कर रहा हूँ. क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जब भी आप ऐसी फिल्म करते हो ना तो आपका इंटरेस्ट और आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तब जाकर उसका आउटपुट बहुत मजेदार और बहुत ही रावस निकलता है. अब हमारे सैफ अली खान को ही देख लो, जिनको हमारा खुद का इतिहास एक मजाक लगता है, उनको ले लिए हैं आदि पुरुष में. अब वो सिर्फ काम करने से मतलब रखेंगे, उनका कोई लगाव थोड़ी रहेगा यार. आप वो नोटिस करो, रामानंद सागर के जो प्रोग्राम्स आते थे उसमें जितने भी आर्टिस्ट थे वो अपने कैरेक्टर से इतना प्रेम करते थे, इतना नॉलेज रखते थे, उसको आप रियल लाइफ में उतारते थे, उनकी सीख पूरे रियल लाइफ में उतारते थे. वो सेट पे जाके प्रणाम करते थे, पैर पड़ते थे, हर एक टेक के पहले भगवान का नाम लेते. तो सोचो वो प्रोग्राम्स के क्या आउटपुट थे, लोगों ने कितना पसंद किया था, लोग कितना खो गए थे कि उसका अगला एपिसोड हमें देखना है. तो वो होना बहुत जरूरी होता है कि एक एक्टर को इतना जानकारी रहना चाहिए, उतना इंटरेस्ट रहना चाहिए. अगर नहीं इंटरेस्ट है तो आप मत दो वैसे लोगों को फिल्म, आप वैसे लोगों को दो फिल्म जिनको प्राउड भी फील होए. एनीवेज चलो यार, ये सब में मैं बात करूंगा तो भाई बहुत लंबी कहानी हो जाएगी एंड आप लोग अनसब्सक्राइब कर दोगे धड़ाधड़. तो चलिए मेन मुद्दे की बात करते हैं. तो 30 सितंबर दो फिल्म रिलीज होने वाली है जो कि सबसे बड़ी फिल्म है. एक है पोनियन सेल्वन जो कि एक तमिल फिल्म है, वो पैन इंडिया में आ रही है. तो दूसरी है बॉलीवुड फिल्म जिसका नाम है विक्रम वेदा जो कि एक तमिल फिल्म का रीमेक है. अब विक्रम वेदा का ट्रेलर हमें बहुत कुछ एहसास दिलाता है कि भाई साहब आप थिएटर में जाओ, थिएटर विल गेट कन्वर्टेड इन टू डस्टबिन, सॉरी स्टेडियम. इतना माहौलदायक वो फिल्म है और वो लेवल पे जो आपको मजा मिलेगा ना, जो अब तक बॉलीवुड के कमर्शियल फिल्म में आपको नहीं मिल पाया है इस साल, तो वो मजा अपने को गारंटी मिलेगा. तो वो पूरा ट्रेलर बताता है. वहीं दूसरी तरफ पोनियन सेल्वन जो कि एक पीरियड फिल्म है, जो कि एक इंपॉर्टेंट फिल्म है जिसको कोई भी कीमत पे मिस नहीं किया जा सकता. वरना सोचो ना कितना कॉमेडी लगेगा कि आप एक रीमेक फिल्म देखने गए लेकिन वही एक सच्ची बड़ी एक ऐतिहासिक फिल्म को आप नहीं देख रहे, तो अपने आप में कॉमेडी लगेगा. लेकिन दूसरी कॉमेडी बात ये लगेगी आप लोग बोलते नहीं, साले तेरा बाप पैसा कमा के दे रहा है कि हम हर फिल्म देखने जाएं. डोंट वरी यार, एवरी सॉल्यूशन हैज अ प्रॉब्लम. तो मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं. देखो यार, आप लोग रिव्यूज का ही वेट करोगे ना, आज के टाइम पे कॉमन है कि लोग रिव्यूज का ही वेट करते फिर उसके बाद जाते हैं वो देखने फिल्में. तो रिव्यूज अच्छा है तो डेफिनेटली आपको देखना जाना चाहिए, क्योंकि यार आपका पैसा का भी एक वैल्यू है, आपने भी अपने पैसे को बहुत मेहनत से कमाया, तो इसलिए मुझे पेटीएम कर दो. सॉरी, तो रिव्यूज देख के आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, क्या इसी भरोसे हम लोग भी पैसा कमा लेंगे. सॉरी, लेकिन एनीवेज आइए हम लोग एडवांस बुकिंग की बात करते हैं. देखो पोनियन सेल्वन जो कि एक तमिल फिल्म है, तो तमिलनाडु में इसने पूरा झंडा गाड़ दिया. मतलब वहां पर यार प्रमोशन की आपको जरूरत ही नहीं, वहां की फिल्म को तो जरूरत ही नहीं. एंड ये अजीत की फिल्म नहीं है ना थलापति विजय की फिल्म है, तो फिर भी इस लेवल का हाउसफुल शोज देखना बहुत बड़ी बात है. मतलब देख रहे हो सब शोज खचाखच भरा है, पूरा का पूरा थिएटर भरा है, ऑलमोस्ट हाउसफुल होने आ गए यार. मतलब क्या ही कलेक्शन निकलेंगे. लेकिन वही विक्रम वेदा की बात करें तो अपने यहाँ की बात कर ले तो भाई साहब यहाँ पर भी थिएटर हाउसफुल है विद एम्प्टी चेयर्स, क्योंकि यार अब तक 20,000 से 25,000 टिकट बिके हैं. एंड इतना ठंडा जा रहा है ये फिल्म, इतना ठंडा जा रहा है कि मतलब मैं तो खुद ही शॉक हूँ यार, ऐसा क्या हो रहा है. हालांकि यार प्रमोशन भी वो लार्ज लेवल पे दिखा नहीं यार, लेकिन फिर भी इस फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ घुमा लेगा एंड फिल्म डेफिनेटली मजेदार तो रहेगी. वरना आप लोग मालूम ही है यार, कमर्शियल के नाम पे भाई क्या क्या फिल्म देखने मिला था. हीरोपंती 2, अरे क्या कर रही यार, सबको आती नहीं, मेरे छाटे नहीं और जाती नहीं. और फिर दूसरे बात, हमारे आदित्य रॉय कपूर लाए थे कमर्शियल फिल्म जिसका नाम था ओम. उस फिल्म का डायलॉग तो आपको मालूम है ना, रक्त रहे या ना रहे राष्ट्र हमेशा रहेगा. भाई अगर वो फिल्म को आधे घंटे से ज़्यादा किसी ने देख लिया होता ना, राष्ट्र नहीं रहता था.
तो लेकिन यार वो सारे चीजों के कंपेयर में ये एक अच्छी खासी रिमेक, अच्छी खासी कमर्शियल फिल्म नजर आ रही है कि जिसको लोग बढ़ भर के तालियां सीटियां मारेंगे, मजा ले लेंगे। तो जैसे वर्ड ऑफ माउथ घूमेगा इसके भी कलेक्शन बढ़ेंगे एंड डे टू से ये भी पिकअप मार ही लेगा। अब देखो मेन ट्विस्ट तो ये है कि क्या पोनियन सेल्वन जो पैन इंडिया के नाम पे आ रही है वो यहां पर खेलेगी या नहीं, मेन ट्विस्ट हुए। अब देखो यार तेलुगु फिल्म्स तो यार बाजी मार ही रही है पैन इंडिया के नाम पे, कन्नड़ा फिल्म्स भी बाजी मार ही रही है पैन इंडिया के नाम पे, लेकिन तमिल फिल्म्स की बात किया जाए तो वो तो यार बहुत धमाकेदार फिल्म रहती है लेकिन बाजी नहीं मार पाती पैन इंडिया लेवल पे। अभी के टाइम की बात कर रहा हूं। अब पोनियन सेल्वन को यहां पर शोज तो अच्छे खासे मिले, ऐसा नहीं कि नहीं मिले, लेकिन अगर ये फिल्म सच में लोगों को अट्रैक्ट करती है तो ये सुमड़ी में कुमड़ी हो जाएगा और ये निकलेगा आगे फिल्म, देख लेना निकलेगा, क्योंकि यार इसको बाजी मारने के लिए फिल्म का अच्छा निकलना, बहुत ज्यादा अच्छा निकलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके वर्ड ऑफ माउथ इसमें खेलेगा एंड फिर ये भी भाई कोनी में धोनी बन जाएगा, देखना ये आराम से चलेगा, ये बहुत चलेगा फिर। तो आप लोग का इस सब पे क्या टेक है आप लोग कमेंट करके बताइए, एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, एंड सब्सक्राइब कर दो अभी स्पेशल वीडियोस आने बाकी है, एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो क्योंकि मैं वहां पर फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ रिव्यू पहले ही डाल देता हूं, फिर आप लोग को यहां पर लेट मिले उससे अच्छा वहां पर भी देखा करो। मिलते अगले वीडियो में, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल।